हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं टाइगेरियन और आप देख रहे हो लाइफ ऑफ पी का नेक्स्ट एपिसोड। तो गाइस, मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया और दो वेपन बनाया मैंने और इनको अपग्रेड भी कर दिया है। ये मैंने स्वाप किया है, ब्लंट वेपन को इस पे लगा दिया और ये जो फायर वाला नाइफ है इस पे ये लगा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और इधर नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रायल वाले में। तो मैंने दो वेपन डिफरेंट बनाए, अब इनसे खेलने की कोशिश करूँगा और मिक्स एंड मैच करके बनाया। जैसे ये देखो, इसकी एबिलिटी देखो, फायर, और दूसरी एबिलिटी है ये। तो फायर तो है ही, और फिर जब हाई अटैक मारना हो तो ये, मतलब थोड़ा क्लोज रहना पड़ेगा। दिक्कत ये है नाइफ के साथ, इसका पंगा ये है, पर फायर डैमेज मिल जाएगा अच्छा खासा। और दूसरा वेपन है ये। अब इसके साथ मैंने किया है, ये समझ लो सिंगल हैंड सोर्ड बन गई है, ये अच्छी है। और इसकी एबिलिटी देखो, ये फर्स्ट और दूसरी एबिलिटी, तो ये भी वेपन सही बन गया है। अब इनसे खेला करूँगा, ट्राई करूँगा इन दोनों को। ये तो प्लस फोर मैंने कर दिया है, ये प्लस थ्री है। मेरे पास पैसे नहीं बचे थे और ना ही क्राफ्टिंग के लिए मटेरियल बचा हुआ है जिससे मैं अपग्रेड कर सकूँ। तब पता चलेगा कि कैसे करना है। अब इससे खेलेंगे, ये दो वेपन मेरे मस्त बन गए। तो चलते हैं, अब करते हैं टेलीपोर्ट और आगे देखेंगे इन वेपन का यूज कैसे कर सकते हैं। एक फायर वेपन है और एक हमारा ग्रेट सोर्ड का वेपन बन गया है। नाइस, फायर डैमेज का बन गया है और स्टैट्स भी ध्यान देने लायक हैं। अभी मैंने स्टैट्स में कुछ छेड़ाखानी नहीं की है इनके, क्योंकि अगर इसके स्टैट्स देखो तो ये मोटिविटी डी है और टेक्निक बी है, और ये मोटिविटी सी है और टेक्निक डी है, और एडवांस बी है। तो एडवांस से इसका स्टैट्स चेंज करना पड़ेगा, पर अभी तक मेरे पैसे नहीं है ना, तो बाद में चेंज करेंगे। अभी फिलहाल ऐसे ही खेलते हैं। बाकी इसने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि कुछ लेना है, एक बार ये देख लेते हैं कि मेरा साइड मिशन जो है कहीं और तो नहीं है, क्योंकि इसमें दिखा देता है जहाँ साइड मिशन हो, दिखा देता है, साइड लगा हुआ आ जाता है। और यही है, अभी नहीं है, अभी मेन मिशन यही है, यहीं जाना है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या है, और इस नए वेपन का यूज़ करके क्या मिलता है हमें। फायर वेपन, अभी तक हम उससे खेल रहे थे क्योंकि एलिमेंटल डैमेज अच्छा था उसका। ये कुछ बोल रही है एक्स्ट्रा, वही पुरानी बातें। इसको कुछ चाहिए था, मैं भूल गया क्या चाहिए था। यहाँ पे ये देखो, इसके अंदर जाऊँगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये डिके शुरू हो जाएगा, इसलिए ये मुझे ठीक करना होगा। शायद यहाँ से जाके ठीक होगा। और इसको ऑन कर लेता हूँ, अंधेरा है इधर, उजाला रहेगा। बड़ा अजीब सा है ये, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जल रहा है कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से बड़ी लाइट ऑन हो गई है। अरे छोड़ दे भाई, प्लस ओ भाई ये क्या है, ओ भाई ये तो इन्होंने पूरा डार्क सोल उजा दी। ये देखो, ये रहा, देख रहे हो ओके, ये शॉर्टकट बाद में खुलेगा। और ये देखो आ गया, ओ ये क्या है, ओ मस्त, इसके थ्रू मारा। ये देखो ऊपर क्या है भाई, ये कुछ ना कुछ है। आ जाओ
सबको जब इससे मार सकते हैं तो दिक्कत क्या है। पर ये ऊपर वाला ये तो थ्रो ही करेगा, ये कुछ अजीब है। ये देखो जरूर ये फंसाने के लिए है, पता चल रहा है। फिर कुछ है क्या थ्रोबल? हाँ है। तो गई, ये अच्छी चीज है, घूमती रहती है। चर 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 चर। ये देखो ये जो ऊपर है इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, पक्का ये हिलेगा। ओह नीचे देखो, यहाँ पे तो पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे होल है। ओहो बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने डार्क सोल से मतलब इंस्पायर्ड होके बहुत चीजें बना रखी हैं। मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ है क्या? बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, अब लेवल थोड़ा गेम का बढ़ चुका है। ये फूटे हुए हैं, ये पता नहीं प्लांट्स। आ जा, मेरे को वेपन टेस्ट करना है अपना। ओके नाइस, जला के मारा मैंने, जला के। धीरे धीरे खेलेंगे तो मस्त मर जाएगा। ये नीचे का फ्लोर कुछ इंटरेस्टिंग है। ये देखो कुछ तो है, इससे पक्का होगा क्या? ओ डिके भाई डिके, अरे मेरी हेल्थ तो बड़ी जल्दी ले गया ये है। संभल के रहना भाई, एक बार में मार देगा ये, एक बार में ही डैमेज है इसका। ये क्या है, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। नीचे वाले फ्लोर में जाने का रास्ता कैसे है? ये तो ऊपर जा रहा है, नीचे जाया जा सकता है क्या? बहुत ज्यादा हाइट है। यू चेस्ट, ओहो हो हो, नीचे चेस्ट है। तो देखते हैं रास्ता कैसे है। कुछ ये क्या है, लाइट? नीचे जाने का रास्ता तो नहीं लग रहा है यहाँ से। यहाँ पे डिके कुछ ज्यादा है इसलिए जरा संभल के। और ये जो एरो एरो चल रहे हैं उनसे भी जरा संभल के। ये देखो आ जा, नाइस। हम ऊपर आ गए, जरा संभल के खेलना पड़ेगा भाई। अब इस गेम का लेवल बहुत सही ऊपर हो गया है। अरे आई डोंट नो इन्होंने इनविजिबल वॉल बनाई है नहीं बनाई है, लगता तो नहीं है। पता नहीं इन्होंने डार्क सोल से इंस्पिरेशन लिए तो बना भी सकते हैं। ओ भाई इससे बच के, ये ओ ओ ओ बहुत हेल्थ जाती है इनसे, इसलिए जरा सोच समझ के खेलना पड़ेगा। ये वापस नीचे जा रहा है, ये कौन सा रास्ता है? ये भी तक नहीं टूट रहा इससे तो भाई, क्या है ये? दिस इज वाई द कैथीड्रल वॉज बिल्ड एंड रिमेम्बर्ड। अरे पूरा तो देख लो, क्या पंगा है इसका। पिलग्रिम वॉर्शिप द मर्सीफुल एंजल। ओ मिल गया भाई, अब प्लस फोर कर सकता हूँ इस वेपन को, अब प्लस फोर कर सकता हूँ इस नाइफ को मैं। ओ ओ शिट, अब जल। ओ देख रहे हो डबल डैमेज हो रहा है इससे, फायर ऑन करते ही एबिलिटी यूज कर लो तो डबल डैमेज। ओके इसको मेरे को वो रहा सामने,
इससे हो जाएगा। एबिलिटीज में है ही नहीं मेरे पास। ओके ऊपर कैसे जाया जाए, सामने स्टेयर्स दिख रही है मेरे को, कैसे बंद है पूरा। रास्ता कहां से है, हेल्थ मार लेते हैं। ओहो ओहो मेरे पास है वैसे चीजें, पर पहले इधर जाना है मेरे को, मेरे ख्याल से उधर जाने का रास्ता कहां से है, मेरे ख्याल से घूम के ही होगा रास्ता, संभल संभल के जाना पड़ेगा डिके ना लग जाए। ओहो मेरे को पता है मैं स्पीड से जाऊंगा तो स्पीड से कुछ पंगा होगा, प्लस फोर वेपन निकाल लेता हूं। ओ तेरी की, अरे मेरे को पता था ये साले कुछ गड़बड़ ना गड़बड़ करेंगे करेंगे। हेलो बच गया, ये तो हो रहा है यहाँ का मामला, यहाँ पे एक्सप्लोर बाद में करेंगे जब अपने पास। भाई ये इधर, होली शिट होली शिट, इसके साथ और कौन कौन है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो रेडी रेड अटैक मार रहा भाई। ओहो ओ स्टैमिना गया, स्टैमिना गया भाई, ये बड़ा खतरनाक है भाई। ओके नहीं 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 भाई, जैसी मैं अपनी शील्ड ऑन कर रहा हूं ये रेड अटैक मार रहा है भाई, ये तो अजीब ही है। कंपटीशन अगर ये नहीं है मेरा, ये है। ओके हाफ हेल्थ हो गई, हेल्थ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ मेरी हेल्थ कहाँ गई। निकल, ये बात हुई फायर के साथ, इस वेपन ने कमाल कर दिया वाकई में, मजा आ गया मजा। ये मैंने हथियार बहुत सही बना लिया, बहुत सही, मजा आ गया मजा। ओके अब क्या करना है, ये कुछ होगा क्या, मेरे को एक्चुअली ऊपर जाना है, यहां पे कुछ है क्या, I don't know. कुछ नहीं है, पर अच्छा डैमेज है भाई इसका, अच्छा डैमेज आया भाई इसका, हाई अटैक का बहुत सही डैमेज था, देखो मजा आया। अब लगा जैसे प्लस फोर वेपन है, कितनी जल्दी जल्दी हिट मार के खत्म किया मैंने। ओ लिफ्ट, ये पक्का नीचे या ऊपर जाने का है, पहले इधर चलते हैं, इधर क्या चैलेंज। ओ
तेरी निकल। और कोई इधर कुछ है? अर्गो ये बहुत जरूरी है अपने लिए, ये वापस हुई घूम फिर के। ओके इधर क्या है? अब मैं भी देखना चाहता हूँ कुछ इनविजिबल डोर या कुछ। इसको देख के याद आ रही है एल्डन रिंग की। एल्डन रिंग भी इसी टाइप से लाइब्रेरी बना रखी है जो वाकई में मस्त थी, मजा आया था उससे खेलने में। ओके सामने हम आ गए लगता है। आसमान भी देख लो। ओके डायरी सिसिले अनवेल अगेन। ये सिसिले वही है ना, टुडे द एडम ब्रदर फाउंड हर स्टैंडिंग लाइक वन डेड एट द एज क्लिफ एंड ब्राउट हर द बैक इफ मिल्ड स्लीप वॉकिंग इट्स फाइन बट आई एम वॉरिंग हर ओल्ड ब्लड। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ये बुक है वो जो चाहती है। ओ निकल ये वेपन। ओ ओ ओ ओ भाई कितने थे इधर? ओ भाई ध्यान देने लायक है, दो में ही मर जाऊंगा मैं। होली मार्क। ओके कोई इनविजिबल डोर, होली मार्क देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज। ये अच्छा है हमें लॉक नहीं तोड़ने पड़ते। लगता है कुछ नई रिंग मिली है ये री। वेट फिजिकल डैमेज रिडक्शन। ओके ये वो रिंग है जिसमें सीधा फिजिकल डैमेज रिडक्शन है ना, इसमें फायर का है ना एसिड का है, कुछ नहीं है जैसे औरों में है। नहीं सब में वैसी है। कैन ऑब्जॉर्व ये फ्रेम है, मैं रिंग समझता था पर ये फ्रेम है एक्चुअली, ये ओनली फ्रेम फ्रेम है। मैं सोच रहा था कुछ है, पता नहीं ये फ्रेम क्या है, ये कहाँ का फ्रेम है, हाथ का फ्रेम है क्या है ये। फिजिकल डैमेज कम हो जाएगा, बढ़िया। लगता है कोई बड़ा बॉस मिलने वाला है, जब भी ऐसी चीजें मिलती हैं तो लगा लो कोई बड़ा बॉस ही मिलने वाला है। ओके और क्या है इधर? और मेरे को एक और चीज मिली थी वो भी देख लेते हैं कहाँ है। ये मेरे पास तीन पड़े हुए हैं। ओके प्लस थ्री और ये एक मिला है। ओ ये प्लस सिक्स के लिए है, ये प्लस थ्री के लिए है। ओके और क्वार्ट्स भी हैं। अरे यार मैंने ये असाइन नहीं किए, जाके अब असाइन करते हैं, मैं भूल जाता हूँ। ए होली मार्क ऑब्टेन फ्रॉम आर्क शॉप रूम। ओके ये था जिसको हम लेने आए थे, यही है ये बुक। और ये भाई ये वेपन बना के मैंने अच्छा किया, बाकी मैंने रैपियर तो कर ही दिया। एक्चुअली मैं हमेशा यही करता हूँ बहुत सारे वेपन, इसलिए मैं ज़्यादातर एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ इसी वजह से। यार ये नीचे क्या है? नीचे जंप करके अच्छा वहाँ पर जा सकते हैं, वो देखो सामने वहाँ से भी कुछ है, जाते हैं लेते हैं। क्या है ये? ये क्या चीज़ है? यहाँ पे लूट है। जेमिनी एवरेज एमरजेंसी प्रोटेक्शन। ओके कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा है, गेम बहुत अच्छी बन गई। जिनको भाई डार्क सोल पसंद है, मैं प्रेफर करूँगा वो ये खेले, उनको मज़ा आएगा इस गेम को खेलने में जैसा मुझे आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डार्क सोल वो फिर से बहुत है भाई, ये तगड़ा तगड़ा डैमेज है इनका। स्पेशल रेसिस्टेंस। ओके ये नई चीज मिली है, एसिड के लिए होगी ये। और ये गिराना है हम नीचे, अब क्लीन हो जाएगा सब, सब क्लीन हो गया।
अब हम नीचे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट फियर। अबे ये क्या चीज है? ओके, यहां से नीचे भी जा सकता हूं मैं। ये कहां जा रहा रास्ता? ओ ये तो हम वापस आगे घूम फिर के। टेबल कैटलिस्ट और कुछ है क्या इधर? कुछ सीक्रेट डोर यहाँ पे? पता नहीं इनविजिबल वॉल होंगी नहीं होंगी, क्योंकि ये टेक्निक के ऊपर है, मैजिक वैजिक से रिलेटेड नहीं है, इसमें एलिमेंटल डैमेज से रिलेटेड चीजें हैं, तो लगता नहीं है मेरे को। ओ ये भाई वो एरिया नहीं है या वही एरिया है? अच्छा हमने साफ कर दिया ना। ओके ओके समझ गया, हमने वो हटा दिया। मैं कुछ करने से पहले रुको, उस लेडी से मिल लेते हैं, फिर वापस जाएंगे हम और अपना अपग्रेड करेंगे सबसे पहले, जिसका मैं वेट कर रहा था। आ गई येरी, इसे चाहिए था। ओह थैंक यू, जस्ट सीइंग द आर्चबिशप्स होली मार्क रिन्यूज माय स्पिरिट। इट्स अ रिमाइंडर ऑफ द क्वाइट पावर ऑफ फेथ। आई विल रिमेंबर दिस फॉरएवर स्टॉकर। ओके दे दिया हमने। ओके दे दिया हमने, चलो अब आगे चला जाए, अपग्रेड किया जाए। अब नीचे का खुलेगा, मैं टेलीपोर्ट करूंगा होटल और अपना अपग्रेड करना चाहता हूं मैं। ये वेपन प्लस मतलब अपग्रेड करने लायक है। पता है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने हिसाब से वेपन को कर सकते हो क्राफ्ट असेंबल, और उसका कोई कॉस्ट नहीं है, ऐसा अपनी मर्जी से कोई भी मिक्स एंड मैच करके जो आपका प्ले स्टाइल है उसको करो, ये अच्छी चीज है। ओके इसके लिए प्लस फोर करने, ये कर सकता हूं मैं प्लस फोर, प्लस फाइव करने के लिए मेरे पास है नहीं, क्रिसेंट मूनस्टोन चाहिए, और पता नहीं इसको कैसे कर सकते हैं, नो आइडिया। ये एक्स भी बहुत अच्छा है, अगर इसको किसी और हैंडल पे लगाओ तो शायद और अच्छा लगे, अच्छा वेपन है ये नो डाउट। डार्क सोल जैसे बहुत सारे वेपन मिल जाएंगे, मेरे को एक्चुअली नाइफ के लिए लंबा हैंडल चाहिए था, इसलिए मेरे को ग्रेट सोल्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ा और दोनों को मिक्स एंड मैच कर दिया मैंने अपने स्टाइल के हिसाब से, तो ये बहुत अच्छी चीज है, मजा आ गया। इसके पास ये नहीं है, सोल्ड आउट हो चुका। ओके और कुछ? अरे वहां ऊपर मेरे को क्वार्ट्स जो है वो लगाने हैं, मैं भूल जाता हूँ भाई, वो अपडेट भी जरूरी है वरना पंगा है। एक्चुअली मेरे को हील जो सेल है वो भी बढ़ाने हैं, क्योंकि उसकी जरूरत है। ओके कुछ बात करेगा? नहीं। The city of Krat. It's asked me any question. कुछ खास नहीं है, चलो अपग्रेड किया जाए अपने को। दूसरा ऑप्शन क्या था? ये चेंज शेप? नहीं चेंज शेप नहीं कर सकता मैं, पता नहीं क्या है ये चेंज शेप का, मेरे ख्याल से अपना फिजिकल जो भी है उसे शेप चेंज करने के लिए। ओके मेरे को सेल बढ़ाना है, अब इसमें क्या किया जाए? डिफेंस दो कर रखे हैं मैंने, एनहेंस फेटल अटैक, एनहेंस फेबल आर्ट अटैक, इंक्रीज स्टैगरिंग ड्यूरेशन। मैं सोच रहा हूं इसको एनहेंस करते हैं। ओके और ये अनलॉक नहीं हुए अभी तक, फेज टू मस्ट बी एक्टिवेटेड, अभी तक फेज टू मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ है। हाँ यार ये चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, स्टैगर विंडो बहुत जरूरी है। इसको किस में डालूं मैं? मैंने इसका भी ये अभी तक नहीं किया, लीजियन मैगजीन इफेक्ट,
इंक्रीज एर्गो अपॉन एलिमिनेटिंग एनिमी कंज्यूमर पोजिशन लिमिट. ओके, इंक्रीज कंज्यूमेबल पोजिशन लिमिट ये बढ़ाते हैं, नहीं थ्रोइंग ऑब्जेक्ट बढ़ाते हैं, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट ज्यादा चाहिए. ये अच्छा है कि हम हर किसी में. ओके, अब जाके अनलॉक हुआ है ये, नाइस. इसमें सेल प्लस कर सकते हैं, इसमें एमुलेट स्लॉट बढ़ा सकते हैं. ओ नाइस, राइजिंग डॉज, ये क्या है? एनेबल डॉजिंग व्हेन ऑन द ग्राउंड, रिटेन गार्ड. ओके, ये भी जरूरी है भाई, इसमें तो बहुत सारी अच्छी चीजें. प्योर ऑर्गन चाहिए, मैंने इसको नहीं किया, लिंक डॉज एक किया है, पता नहीं ये यार. एनेबल अनदर डॉज इन द मिडल ऑफ डॉज मोशन, ऐसा है क्या? लगता तो नहीं है ऐसा है कि ऐसा है. और क्या है मेरे पास, और कुछ इंटरेस्टिंग? रिस्टोर वेपन हैंडल एडजस्टमेंट, ये पता नहीं क्या है यार, मेरे को समझ नहीं आता. रिस्टोर वेपन हैंडल एडजस्टमेंट, इंक्रीज हैंडलर टेक्निक. ओके ओके, ये मैं समझ गया, ऑल्टर करने के लिए. अब देखते हैं कि ऑल्टर करने के लिए मेरे पास कुछ है. अब ऑल्टर करके देखते हैं कि इस वेपन को और अच्छा बना सकते हैं क्या हम. ऑल्टर, ये देख रहे हो आप, तीन है, मोटिविटी, टेक्निक और एडवांस. मेरे अभी तीनों इक्वल हैं. मैं अगर मोटिविटी करता हूं तो ये डी से सी हो जाएगा और बी से सी हो जाएगा टेक्निक. आई डोंट नो, अभी मूड नहीं बना पा रहा मैं कि ये करूं. और कुछ मैं ये सेल खरीद लेता हूं, थोड़े इनकी जरूरत पड़ेगी, बाकी अपग्रेड तो अभी कर नहीं सकता मैं. और कुछ खरीदने के लिए मेरे ख्याल से यही खरीद लेता हूं. इनकी जरूरत पड़ेगी, ये मेरे को मिल जाएगा आगे, मेरे को इसी की जरूरत है फिलहाल मेरे ख्याल से. सारे खरीद लेता हूं क्योंकि इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है. अब कितना बढ़ गया है, तीन तीन ही बढ़े हैं बस. चलो टेलीपोर्ट, मजा आ रहा है भाई. सबसे अच्छी बात यही लगती है मेरे को ऐसी गेमों में, क्योंकि हम असेंबली जो करते हैं ना आपस में मिलके, मतलब अपने हिसाब से, वो बहुत अच्छी चीज है. मुझे बहुत मजा आता है गेम में कस्टमाइजेशन में देखा जाए तो, क्योंकि कस्टमाइजेशन की बात अलग है. जरा पानी पी लेता हूँ फिर चलते हैं आगे. इन्होंने एल्डन रिंग से भी दो हाथ आगे ये काम किया है, ये बहुत सही है. वेपन हैंडल और उसका, ये बहुत सही चीज की है. और ऊपर एक लिफ्ट थी, यहां जाने से पहले मैंने एक चीज करनी है. क्या लिफ्ट थी ये तो मैं समझ गया, इधर है लिफ्ट थी, उसका हमने यूज नहीं किया. ऊपर एक लिफ्ट थी, वापस जाना पड़ेगा यहीं से, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करना पड़ा तो मजा. और अरे अरे शिट, ये हमेशा भूल क्यों जाता हूं यार मैं. यहां पे तो समझ आ गया, मैंने देखा था. येरी, एक लिफ्ट तो येरी सामने और एक लिफ्ट पीछे है,
ओके समझ गया, यहां से मैं नीचे जा सकता हूं इधर ये लेने के लिए, अब आराम से ले सकते हैं फ्रैगमेंट। ये रहा गेट, ओ इसे खोल सकता हूं मैं, नाइस। ये अच्छा लगा मेरे को, इसके हैंड में बड़ी जान है, मैकेनिकल हैंड है इसलिए। ये देखो इधर चीजें पड़ी हुई हैं। एंड सिंग प्रेज फॉर न्यू सेंट ही अराइव्ड। ओके अरे यार बंद क्यों हो जाता है ये, सेंट एंड्रेस विल कंसंट्रेट दिस लैंड। ओके ये बॉस फाइट है, ये देखो, और ये स्पेक्टर, तो ये बॉस फाइट है, समझ गया मैं, इधर बॉस फाइट है, आते हैं इधर। ये सामने स्टार गेजर मैंने खोल दिया, पहले मैं आगे का ओपन करता हूँ क्या सीन है। और किधर था, पहले पीछे की लिफ्ट चेक कर लेते हैं, ये वाली नहीं, पीछे की, पीछे एक लिफ्ट थी उसको मैंने अनदेखा किया है, उसको चूज कर लेते हैं, क्या है उस लिफ्ट में। यहाँ से भी जा सकता हूँ मैं शॉर्टकट, एक्सप्लोर करना तो बनता है भाई इस गेम में, ये छोटी गेम है, इन पे भाई अगर एक्सप्लोर नहीं करो क्या फायदा। ये कहाँ जाएगा देखना है मैंने। ओके ये ऊपर जा रही है, नीचे नहीं जा रही, दोनों तरफ से सीक्रेट रास्ता कुछ। I need to grab my share and leave. ये क्या है, कहाँ आ गए हम? पक्का ये फाइट होगी इससे, पक्की बात है, ये कौन है, ये खतरनाक बंदा, इससे फाइट होनी है। That's odd. I thought I was the only one with a sound mind here. I'm sure I don't need to introduce myself. Note these golden wings. Yes. You guessed it. You don't know who I am. Preposterous. Everyone in Krat has heard of me. Do you live under a rock? I'm Alidoro the Hound. Treasure hunter extraordinaire. Yes, yes, it's a nickname. I ditched my real name in the past. I'm looking for other survivors of this disaster, but it's been a lonely search, and there's danger around every corner. Do you know of a place where I can take refuge? Preferably someplace clean and comfortable, you know, civilized. Do you know of such place? Hotel Krat or Wingini Works? Kya karu? Vanini Works? I didn't give that place much thought. That's where the puppets are being made, after all. But I heard tell of a shelter there as well. With no first-hand knowledge, I suppose I have to trust you. I have a lot of searching ahead of me, so why don't I lighten my load? Consider this an act of charity. A thank you gift. Take it. Okay. क्या था? Your spring? मैंने Krat Hotel नहीं भेजा इसे, मेरे को क्योंकि it suspicious सा लगा। ओह इसकी sword तो बड़ी मस्त है यार। पर वहां से मैं क्लीन कर चुका हूं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। Since you're so helpful, I'll give you a peek at my collection. Show me what you're worthy of. Oh, ये तो भाई परचेस करने के लिए, kill a strong enemy to gain rare ergo. Oh, इसको तो मेरे को Krat Hotel में भेजना चाहिए था। Oh, भाई परेड लीडर एर्गो, अरे यार मैंने तो वो सारे भेज दिए, शिट। ब्रोकन हीरो एर्गो, किंग फ्लेम एर्गो, यार ये इन्होंने इतना लेट क्यों किया मेरे को समझ नहीं आया, ये तो बहुत गलत है, मेरे को ये एर्गो बचा के रखने चाहिए थे। शेट शेट शेट,
मेरे पास एक भी नहीं है, मैंने सारे बेच दिए, मुझे लग ही रहा था यार उसका कोई यूज होगा। अरे यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या उन बॉस को मैं दोबारा मार सकता हूँ क्या? ये तो गड़बड़ हो गई। As a descendant of aristocrats, the very best families, I have a duty to the common people. I live my life fulfilling that duty. And part of that duty is ensuring these items are returned to their rightful owners. What I'm showing you is just a portion of the collection. If you come to the refuge, we'll be able to continue our confabulation. Until then, remember this hound when golden wings shine. Okay. Golden wings shine. Or ask something else. यार ये तो भाई इन्होंने बहुत गलत किया है, ये इतना लेट नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत गलत चीज हो गई है। मैं ये बॉस वेपन मैं सोच ही रहा था यार उसका यूज नहीं, बताओ गेम इतनी आगे निकल चुकी है, अब जाके पता चला कि बॉस वेपन है इस गेम में। शिट शिट, ये तो बहुत गलत चीज है भाई। और मैंने इसे एक तो गलत जगह भी भेज दिया। मैंने सोचा कि सही है वहाँ पे, भाई साफ तो कर ही दिया, वहाँ मिल जाएगा, अब देखते हैं वहाँ पे मिलेगा दोबारा नहीं मिलेगा, पता लग जाएगा, पता तो लग ही जाएगा कि क्या करना है उसके साथ। ओके अब आगे वाली लिफ्ट है उसका यूज़, ये तो बहुत गड़बड़ कर दी भाई मैंने, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर दी मैंने, वो नहीं बेचने चाहिए थे। इन्होंने मेरे से बहुत गलत चीज करवा दी, बॉस वेपन मैं ले ही नहीं सकता अब। छेट चलो आगे बॉस मारेगा, मतलब बॉस को मारेंगे तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। हम घूम फिर के वापस आ गए थे इधर, देखता हूँ टेलीपोर्ट करूंगा तो कुछ दिखेगा इधर। मेरे ख्याल से इसे ढूंढना पड़ेगा हमें, इस बंदे को, जब यहाँ पे बॉस वॉस सबको मार देंगे शायद। ओके तो गाइस अब चलते हैं बॉस के पास। बॉस के पास जाने से पहले मुझे एक काम करना है, ये जो मेरा फिल नहीं है उसे फिल करते हैं ये बॉक्स। बार बार इसी के पास जाना पड़ेगा, मतलब स्टार गेजर में होता तो मजा आता। चलो देखते हैं अब ये कौन सा बॉस है क्या है, पता चलेगा। हमने इतनी बड़ी गलती तो कर ही दी है, अभी मैं स्पेक्टर को जिंदा नहीं कर रहा, पर देखते हैं बॉस क्या है ये, फिर देखेंगे। जब मैं उसके मूव सेट समझ जाऊंगा तब स्पेक्टर को बुलाऊंगा। बताओ तीन बॉस मार दिए तब जाके पता चल रहा कि बॉस वेपन है इस गेम में। ओ भाई क्या चीज है ये, स्टार्टिंग में यही दिखा था। अबे ये भी पपेट है, बहुत डिफरेंट टाइप का पपेट है। ओ भाई ये क्या था, ओ भाई ये स्पाइडर है क्या?
खतरनाक है भाई ये। मूव सेट देख रहा हूं उसके मैं। ओ पीछे से भी मार रहा है, आगे से ही मार रहा है। ओ शिट, पकड़ लिया। ओ नहीं नहीं, ओके ओ ओहो ओहो, आई डोंट नो इससे मारू या इससे। ओहो ओहो, अरे रे रे, बहुत हुआ। ओहो अब स्पेक्टर की जरूरत है, मैं समझ गया इसके मूव सेट। अब मूव सेट समझ गया मैं इसके, अब गया ये। ओ ओ नहीं नहीं नहीं, गया 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 गया। ओके दूसरा हथियार निकालो। नहीं बिजी है उसमें, मारो 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 मारो। गया 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 भाई गया। अब कहीं दूसरा लेवल तो नहीं आएगा इसका। ओ शिट ये मरा नहीं, ओ शिट ये मरा नहीं है, ओ शिट मरा नहीं है बिल्कुल। ये क्या किया इसने? अब कौन है? ओ इसके अंदर था ये। फक, ओ भाई ओ भाई, ये क्या है? ओ भाई दोबारा से, ओके 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 ओ पीछे से मार रहा है, पीछे से मार रहा है। शिट ना, वो आगे से मारेगा, मैं पीछे से मारूंगा। ओ शिट नहीं नहीं, पीछे हो जा पीछे हो जा, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया है। अब मेरे को ये यूज करना पड़ेगा। ओ रे 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 रे, ये क्या हो गया?
ओके। अरे रे 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 मेरी हेल्थ को क्या हो गया? चिट 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 चिट, इसको मारते हैं अब। ओ ओ ओ ओ ओ नहीं 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 भाई, ये दो दो हैं, मेरे को पता नहीं था भाई। शिट, अरे मर गया। शिट, लगता है बिना उसके तो पार भी नहीं हो पाएगा ये, मतलब इसको तो इंस्पेक्टर जो है उसे बुलाना ही पड़ेगा, उसके पार पाना मुश्किल है क्योंकि दो स्टेज हैं इसकी। नौ पड़े हैं, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और विदाउट डैमेज टेकिंग, मतलब ज्यादा डैमेज नहीं लेना और ज्यादा से ज्यादा एक हील में इसे खत्म कर देना है। ऐसी मारना फटाफट। ओ गया मैं, बच गया। ओ बस, एक बार में जला दिया साले को। दो दो ही है, हम दो ही। ओ शिट, एंड टाइम पे धोखा खा गया मैं। चलो जल्दी मर गया, जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल एक बार में ले गया मैं इसे। स्किप करते हैं इसे, इससे पार पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ओ हो, ओ हो, ये तो मेरे को, भाई शिट, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, सीरियसली यही मौका है पीछे से मारने का। आगे से वो मारे, पीछे से मैं मारूं इसे, मेरे को लगता है यही डैमेज। अरे ये लग क्यों नहीं रहा यार, शिट। ओ, ये क्या हुआ? शिट, जल्दी 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 जल्दी। ओ नहीं 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 नहीं, बच गया बच गया। शिट शिट, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? पीछे 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 भाग जाओ। ओ दूर है, हेल्थ लगानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी इसको खत्म करना पड़ेगा भाई। मेरे ख्याल से यही मौका है इसे मारने का, और कोई मौका नहीं। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, गया मैं। ओ शिट, इसको बिना लॉक किए मारना पड़ेगा भाई, और कोई तरीका नहीं दिख रहा मेरे को। ओके, यही मौका है, यही मौका है, मार जाऊंगा इस बार, मार जाऊंगा। ओके, यही मौका है, जल्दी 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 जल्दी। ओ शिट, ओ नहीं नहीं, बचो बचो, मर जाएगा मर जाएगा। नॉक नहीं हुआ, नॉक नहीं हुआ साला। शिट, ओ ओ, गया 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 गया, वाव, मार दिया, फाइनली मार ही दिया मैंने, वाव। उफ, मुश्किल से मरा पर मार दिया भाई, टफ था। अरे ये क्या सीन है,
सबके अंदर से कुछ एर्गो टाइप का निकल रहा है, हर किसी के अंदर, जिस जिसको हमने मारा। ओ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। And now, the stage is set. ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या नई चीज है। ये क्या था। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फाइनली हमने मार दिया, एलिमिनेट कर दिया एक और बॉस को, और स्पेक्टर भी जिंदा है। ये किसकी आवाज है, ये प्रीस्ट की आवाज है, जो यहां का प्रीस्ट होगा लगता तो यही है। ओके हेल्थ बना लो।